हेलो जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा, राइट नाउ आई एम इन रावलपिंडी सिटी और द रीज़न आई एम हेयर बिकॉज टुमारो मेरा इंटरव्यू है स्टूडेंट वीज़ा का नॉर्दर्न साइप्रस एम्बेसी में। ठीक है, आपने लास्ट व्लॉग देखा, मैं वहाँ गया था नायाब डायग्नोस्टिक सेंटर में बिकॉज आई हैड टू गेट माई मेडिकल डन और मेडिकल क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग वॉज राइट एज रेन। अभी सुबह मेरा वीज़ा इंटरव्यू है एंड होप के अल्लाह की ज़ात अगर हैर करे मुझे वीज़ा मिल जाएगा। तो हम क्या कहते हैं, आज ही हम रावलपिंडी आ गए। मेरे साथ मेरा दोस्त भी है, उसका सुबह आर्ट्स का स्पीकिंग टेस्ट है, तो सुबह मैंने 8:45 पे अपनी फ़ाइल सबमिट करवानी है। तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर मैं हमारी उधर हमारी साइड से जो सबसे पहली गाड़ी निकलती है वो निकलती है सुबह 5 बजे, अगर मैं उस पर भी आऊँ ना 3.5 घंटे वो लेती है, तो मुश्किल हो जाना था मेरे लिए यहाँ पर सुबह 8:45 पे एम्बेसी में जाके अपनी फ़ाइल सबमिट करवाना। सो हमने प्लान किया कि हम एक दिन पहले जाएंगे, जाके आराम से रिलैक्स करेंगे, नहाएं धोएंगे, रात अच्छे से सोएंगे ताकि किसी किस्म की थकावट ना हो, एंड सुबह अकॉर्डिंग टू द प्लान मैं अपने काम पे चला जाऊंगा, वो अपने टेस्ट के लिए चला जाएगा और रात हमारे पास होगी, बैठेंगे, प्रैक्टिस वगैरह भी करेंगे। तो अभी हमने इधर यहाँ पर स्काईवेज़ होटल में एक रूम लिया है, रूम काफ़ी अच्छा है, डबल बेड रूम है। दिस इज़ माई बेड, दिस इज़ माई फ्रेंड्स बेड और सामने कुरान पाक भी पड़ा है, आप यहाँ पे कुरान पाक की तलावत भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा रूम है, ऑल इन ऑल एलईडी लगी हुई है, ठीक है, आप मैच देख सकते हैं, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। और वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा है एंड इसकी प्राइस भी ठीक है, कुछ इतना महंगा नहीं है। सो ऑल इन ऑल इट्स अ गुड पैकेज। और अभी जनाब हम लोग जाएंगे नीचे बिकॉज हमने नमाज़ पढ़नी है, सफ़र में थे तो असर मगरब और ईशा नहीं पढ़ सके। अभी उसे इंशाल्लाह नीचे मैंने मस्जिद का पता किया, नमाज वगैरह पढ़ेंगे एंड देन वी विल गो टू ईट समथिंग बिकॉज बहुत ज़्यादा भूख लगी है एंड आई विल कवर ऑल दीज थिंग्स अ लिटिल बिट। बट एक्चुअल में मैं आपको जो सही है वो सुबह मिलूंगा इंशाल्लाह और आपको सारी की सारी डिटेल्स बताऊंगा, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा एम्बेसी में, जो भी इन केस दे टेक एन इंटरव्यू ऑफ माइंड, सो आई विल टेल यू व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क मी एंड ऑल दैट स्टफ। सो कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस प्रोसेस के लिए, आई गॉट दिस स्कॉलरशिप। जो भी सीन है आई विल टेल यू एवरीथिंग लेटर इन अदर वीडियोज़, बट फिलहाल के लिए दिल की धड़कनें थोड़ी तेज़ हैं, हार्ट इज़ आई एम फीलिंग दैट कि ऐसे मुट्ठी में है ना दिल, तो उम्मीद है कि अल्लाह की ज़ात हैर करेगी और सुबह सब कुछ ठीक होगा। सो फिलहाल चलते हैं जनाब नीचे, पहले तो नमाज़ पढ़नी है और खाना भी खाना है, सो विल कवर दीज थिंग्स एंड देन आपसे सुबह मुलाकात होगी। लेट्स गो। This whole scene is pretty beautiful but the result of this phone is not good, so that is why it's not looking very fine. Let's make some memory. You can record your haan ji, so we are done with the food. Hum log janab saver pe gaye the, theek hai यार, क्या ही उन लोगों की क्वालिटी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आई हैव लर्न समथिंग दैट यू शुड फॉलो द थिंग्स विच हैव लेगेसी, यू नो दे हैव टू गिव देयर बेस्ट टू मेंटेन देयर लेगेसी। अगर आप किसी छपरी के पास चले जाएंगे ना, उसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका क्या रिव्यू होगा, बट इफ़ यू गो टू अ प्लेस विच हैज़ लेगेसी एंड आई एम श्योर दैट यू आर गोना लाइक इट एंड इट विल बी वर्थ इट। और अभी हम जाएंगे जनाब वापस अपने होटल में, एवरीथिंग इज़ फाइन, अब तक जो भी हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक हुआ है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं बना एंड आई होप कि आगे भी सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा। सो अभी मिलता हूँ आपको होटल में।
हाँ जी, तो जनाब हम लोग रूम में वापस आ गए हैं और इस वक्त रात के 11:30 बज रहे हैं। थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, अभी जनाब सोएंगे, अपनी नींद पूरी करेंगे, एनर्जी रिफिल करेंगे और आपसे मैं मिलूँगा सुबह इंशाल्लाह। एंड आई होप दैट एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ ठीक होगा, हमें कल वीज़ा मिलेगा इंशाल्लाह। सो आई विल सी यू टुमारो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जनाब रात गुजर गई है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी रात गुजरी, बहुत ही पीसफुल नींद मिली, बॉडी बिल्कुल रिकवर हो चुकी है, सारी एनर्जी वापस आ चुकी है और मॉर्निंग भी बहुत ही ब्लेस्ड हुई अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह फजर के लिए उठे, नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक की तलावत की, एवरीथिंग इज़ राइट एज़ रेन टिल नाउ और उम्मीद है कि आगे भी सब कुछ ठीक होगा। शावेज टोटा साहब भी उठ गए हैं, ठीक है, इनका आज आयट्स का टेस्ट है, आई होप दैट ही विल मेक इट। इनका स्पीकिंग सेक्शन है आज और अभी मैं रेडी होऊंगा थोड़ी देर के बाद और जाएंगे सीधा एम्बेसी में। एंड आई होप के अल्लाह की ज़ात हैर करेगी और मुझे ये वीज़ा मिल जाएगा और सब कुछ अकॉर्डिंग टू द प्लान चलेगा। और आप देख सकते हैं मैंने अपनी फाइल्स वगैरह सब कुछ रेडी कर दी हैं, एवरीथिंग इज़ रेडी, सारे डॉक्यूमेंट्स को डबल चेक किया, सब कुछ कम्प्लीट है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है हमारी तरफ से, सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं, परफेक्ट हैं, देर इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ यू कैन से फेकनेस ऑन ऑल दैट स्टफ। सो आई होप के सब कुछ ठीक रहेगा। अभी जनाब ज़रा रेडी होते हैं, ठीक है, नाश्ता वगैरह करेंगे पहले, फिर रेडी होंगे एंड देन मैं निकलूँगा एम्बेसी की तरफ एंड आई विल सी यू देयर गाइस। अभी मैं आया हूँ बाहर, मैंने आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेनी है और अपनी दो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स निकलवानी है और यहाँ पे शॉप नहीं मिल रही है, इसलिए आई विल सजेस्ट कि आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स घर से ही ले गए हैं, किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें कि उधर जाके कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। सो अपनी पूरी तैयारी के साथ आएँ ताकि ये छोटी छोटी चीज़ें आपको इधर डिस्टर्ब ना करें, बाकी इधर भी हो जाएगा काम, आई मीन इतना बड़ा शहर है, फ़ोटोकॉपी वाली शॉप तो मिल जाएगी, बट आई मीन दीज थिंग्स दे इट टेक्स योर एनर्जी, सो इस पर फोकस करें। फ़ोटोकॉपीज़ वगैरह पिक्चर्स वगैरह डन हो चुकी हैं, अभी जनाब चेंज करते हैं और सीधा एम्बेसी के लिए जाते हैं। आई होप के सब कुछ ठीक होगा, पेट में हल्का हल्का दर्द होना शुरू हो गया है वो प्रेशर की वजह से, बट आई होप दैट एवरीथिंग विल बी फाइन इंशाल्लाह। अभी जनाब रेडी होते हैं एम्बेसी के लिए, दीज आर माई शूज़, दिस इज़ माई टाई, दिस इज़ माई शर्ट एंड पैंट, दिस इज़ शावेज भाई शर्ट एंड अभी रेडी होते हैं जनाब और निकलते हैं सीधा। हेलो जी, सो आई हैव मेड इट टू दी एम्बेसी, मैं इस वक्त एम्बेसी के बाहर खड़ा हूँ और 9:00 ओपनिंग टाइम है। मेरी जो फाइल की सबमिटिंग टाइम था वो था 8:45, बट आई थिंक दे वर जस्ट बीइंग कॉशियस के बंदे थोड़े से पहले ही आ जाएं, लेट ना हो। तो अभी 9:00 ओपन होगी एंड देन आई होप एवरीथिंग विल गो फाइन एंड आई विल गेट द वीज़ा। इस वक्त थोड़ा सा नर्वस हूँ मैं, बट आई होप दैट एवरीथिंग विल बी फाइन इंशाल्लाह। हाँ जी, सो वी गॉट अ स्लाइट प्रॉब्लम, मेरे पास जो मेरी मेडिकल की स्लिप है उसकी फ़ोटोकॉपी नहीं थी और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने कहा भी नहीं था कि उसकी फ़ोटोकॉपी लेके आनी है, तो मैंने उसकी फ़ोटोकॉपी नहीं करवाई थी। तो अभी ऑन द वेरी मोमेंट उन्होंने कहा कि जनाब आपको फ़ोटोकॉपी की ज़रूरत है, तो एक ना एक काम ख़राब। अभी चलते हैं, मार्केट थोड़ी सी दूर है, फ़ोटोकॉपी लेके आते हैं देन सबमिट करवाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स। हाँ जी, तो जनाब फ़ोटोकॉपी इजीली मिल गई है यहाँ पे, वैसे तो कोई फ़ोटोकॉपीज़ वाली शॉप नहीं थी, वो मार्केट बहुत दूर थी, लेकिन थैंक्स टू सांबा बैंक, यू नो बैंक्स में आपको इजीली फ़ोटोकॉपीज़ मिल जाती हैं, उनके पास प्रॉपर मशीन्स होती हैं, बिकॉज़ उनके कस्टमर्स को समटाइम्स फ़ोटोकॉपीज़ की ज़रूरत होती है। तो मैंने दिमाग लड़ाया जनाब, मैं सीधा बैंक में गया, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर मुझे एक फ़ोटोकॉपी निकाल दें, थैंक्स टू सांबा बैंक अगैन। अभी जनाब चलते हैं सीधा एम्बेसी में और डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, फिर जाके दिमाग को सुकून मिलेगा। हाँ जी, तो जनाब फाइनली फाइल सबमिट हो गई है
लेकिन जो परेशानी और जो टेंशन मैंने अभी देखी है, अभी जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है, खुदा की कसम अगर यहाँ पे कोई भी कमज़ोर दिल वाला बंदा होता ना तो वो इधर ही बैठ जाता, इधर ही हार्ट फेल हो जाता उसका। बिकॉज़ अभी मैं आपको क्या बताऊँ, जैसे ही मैं काउंटर पे गया अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के लिए, मैंने उन्हें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वन बाई वन जो मुझसे पूछते कहते रहे वो मैं उन्हें पकड़ाता रहा। जब मेरे इंटर के सर्टिफिकेट की जो डिग्री की बारी आई, मैंने उसे पकड़ाया, उसने उसकी दोनों साइड्स चेक की, उसके पीछे एक QR कोड नहीं लगा हुआ था जो कि लगाना था फॉरेन अफेयर्स वालों ने। बैक इन द टाइम मैं वहाँ पे गया था, आपने वो वीडियो भी देखी होगी, तो बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर उन्होंने वो लगा दिया था, लेकिन जो मेरा इंटर की डिग्री थी उसके पीछे उन्होंने बाकी सारी स्टैम्प्स लगा दी थी, लेकिन वो एक QR कोड वाला ना, एक वाइट कलर का इतना इस साइज़ का QR कोड होता है, वो नहीं लगाया हुआ था। अभी 10:30 जो थे वो क्या कहते हैं क्लोजिंग टाइम था, डॉक्यूमेंट्स आप 10:30 बजे तक ही जमा करवा सकते हैं यहाँ पे नॉर्थ साइप्रस की एम्बेसी में। तो ऑलमोस्ट 9:57 पे ये उन्होंने उसने कहा कि आपका तो ये है ही नहीं ठीक, आप अभी जाएँ जाके फॉरेन अफेयर्स से ठीक करवा के आएँ। और फॉरेन अफेयर्स में आपको पता है कि इतना रश होता है कि उधर बारी नहीं आती बंदे की। तो उसने मुझे कहा तो फिर कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ, फिर आप कल आ जाएँ। अभी डाटा मेरा और सारी अपॉइंटमेंट मेरी आज की बुक थी, तो मैं जनाब इतना परेशान कि अभी क्या होगा, मुझे डेट्स को चेंज करना पड़ेगा या फिर सुबह आऊँगा, क्या होगा, ये सारा प्रोसेस कैसे मैनेज होगा। तो मैंने जनाब अल्लाह को याद किया, ठीक है, और मैंने एक बाइक वाले को पकड़ा और सीधा मैंने उसे कहा हमारे पास ऑलमोस्ट जस्ट जनाब आधा घंटा है, 20 से 25 मिनट है हमारे पास, और मुझे फॉरेन अफेयर्स जाना है हर सूरत में। हमने नहीं कोई सिग्नल देखा, हमने कोई चीज़ नहीं देखी जनाब, सम हाउ मेड इट टू द फॉरेन अफेयर्स ऑफिस। वहाँ पे मैं पार्क्स में भाग के अंदर गया, किसी तरीके जाके सामने काउंटर 5 पे, वहाँ पे एक भाई थे, दैट वाज अ नाइस गाय, मैंने जाके उसकी मिन्नत की, मैंने कहा ये मेरे साथ वाकया हुआ है और ये आप लोगों की मिस्टेक है, खुदा के लिए मेरे साथ मतलब मैं बहुत टेंशन में हूँ, मेरे इस मामले को क्लियर करें, मुझे वो चिट लगा के दें इसके ऊपर। वो बंदा अच्छा था, ऊपर से उसने देखा कि वाकई प्रॉपर गेटअप में भी है, ये वाकई शायद इंटरव्यू के लिए ही आया हुआ है। सो योर अपीयरेंस आल्सो मैटर्स अ लॉट, और मेरी इस अपीयरेंस ने मेरी बहुत हेल्प की, ठीक है, आई वाज लुकिंग लाइक अ जेन्युइन पर्सन विच आई एम, और मेरी सारी ये जो कंडीशन है ये भी रियल थी। तो जनाब उनकी मेहरबानी, उन्होंने मुझे वो स्टैंप लगा के दे दी। वहाँ से मैं निकला, मैंने अगेन एक बाइकिया पकड़ा, मैंने उसे कहा भाई टोटली 10 मिनट हैं एम्बेसी पहुँचना है। अगेन मैंने उस बंदे को कोई सिग्नल नहीं देखने दिया, हमने किसी तरीके जनाब 10:32:33 पे यहाँ पे हम आ गए, आई वाज द लास्ट गाय। और शुक्र है वो भाईजान जो हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, जो बाहर बैठते हैं काउंटर पे, उन्होंने उन्हें भी पता था कि इसके साथ ये वाकया हुआ है, ठीक है, तो उन्होंने किसी तरीके मेरा मतलब मेरी फ़ाइल जो है वो सबमिट कर दी। नाउ आई एम लिटिल बिट स्केर्ड अबाउट वन थिंग, मैंने जो फोटोकॉपीज़ वाली फ़ाइल्स जमा करवाई हैं उसमें जो मेरी इंटर की डिग्री है उसकी जो फोटोकॉपी के पीछे स्टैंप नहीं लगी हुई, लेकिन जो ओरिजिनल है उसके पीछे लगी हुई है, बिकॉज आई डिडंट हैव द इनफ टाइम टू गेट द फोटोकॉपी ऑफ द डिग्री, बिकॉज आई हैड टू गेट हेयर बैक टू द एम्बेसी ऑन 10:30 सो सम हाउ मैंने ये मैनेज किया। ये अभी आपको आई मीन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ वरीड आई एम, मैं कितनी परेशानी से गुजरा हूँ। वो तो मैंने अभी आई एम एन एथलीट, आई एम ए स्पोर्ट्स मैन, तो मेरा अपने दिमाग पे ख्यालात और जज्बात पे कंट्रोल है, आई कैन हैंडल अ लॉट ऑफ प्रेशर। अगर मैं वहाँ पे कोई भी मिस्टेक करता या रोना धोना शुरू कर देता या फिर ये भागदौड़ ना करता, ये आप मुझे देखें, मतलब मैं फॉर्मल ड्रेस में हूँ और मैं ऐसे भागा हूँ, एंड आई कुड रन बिकॉज आई एम एन एथलीट, मैं बहुत ज़्यादा रनिंग करता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, सो रनिंग इज़ नॉट वेरी हार्ड फॉर मी। सो एवरीथिंग काउंट्स, योर होल ईगो सिस्टम, योर लाइफ स्टाइल, जो भी आप करते हैं ना उसका कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी पे इम्पैक्ट होता है। सो आज वो रनिंग काम आई जनाब, आई वॉज रनिंग लाइक अ हॉर्स, यू आपको भी मैं क्या बताऊँ, बट जो भी है आई होप कि अभी वीज़ा मिल जाए, बिकॉज आई हैव वर्कड सो आई हैव डन सो मच हार्ड वर्क फॉर दिस प्रोसेस, पिछले 2-3 महीने से मैं सर खपा रहा हूँ अपना, एंड आई होप दैट आई विल मेक इट। उन्होंने अभी कहा है कि 4 बजे आप आ जाएँ, ठीक है, अगर उन्हें इंटरव्यू लेना हुआ तो वो कॉल करेंगे, ना लेना हुआ तो वो नहीं करेंगे, एंड दे विल टेल अस ऑन एट 4 PM इन द इवनिंग, पता चलेगा कि वीज़ा मिला है या नहीं मिला।
सो आवर ब्रेकफास्ट इज़ हेयर जनाब, एक पानी की बोतल, बिकॉज़ मैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं पीता एंड मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि ये कोक वगैरह से बचें, और साथ जनाब एक पराठा रोल। आई थिंक इससे मेरा कुछ बनेगा तो नहीं, बट इट विल डू फॉर नाउ, और आगे देखते हैं। वैसे मैं तो पराठे वाला पर्सन हूँ प्रॉपर, कोई पराठा शाठा लस्सी वगैरह होती, बट आई थिंक अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड द इकोसिस्टम वी शुड गो विद दिस, एंड आई होप दैट इट विल वर्क इंशाल्लाह। सी यू। हाँ जी, सो आई एम डन विद माय ब्रेकफास्ट टू, और लाइफ का घटिया तीन पराठा रोल खाया मैंने ये सूफी वालों से। आई वाज एक्सपेक्टिंग इट टू बी अ गुड, मैंने कहा चलो सुबह का टाइम है तो पराठा विल डू समथिंग एंड आई विल फील बेटर, बट घटिया तीन पराठा रोल ऑफ माय लाइफ, इतने इतने मोटे प्याज भी। मुझे लगा था कि रावलपिंडी वाली साइड में इस्लामाबाद में जस्ट फैज़ाबाद स्टेशन पे ही घटिया स्टफ़ मिलता है खाने को, बाकी जगहों पे मामला ठीक हैं। आई मीन लास्ट टाइम वी विजिटेड दी फूड स्ट्रीट, वो शमसाबाद के आसपास है जो, एंड इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस, वी वेंट टू सेवर फूड्स, बट इन्होंने तो सारी मॉर्निंग ही स्पॉइल कर दी। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इतना बकवास एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ, सारी स्टोरी सुनाई, उसके बाद ये एक और घटिया एक्सपीरियंस हो चुका है। बाकी अल्लाह की ज़ात हैर करे, अभी से कुछ कवर करते हैं कुछ और छोटा मोटा मीठी चीज़ खा के। सो अपने ब्रेकफास्ट के स्पॉइलर को हम इससे कवर करेंगे, आई गॉट माइलो ऑल टाइम फेवरेट, और ये कुछ सम बिस्किट्स हैं ठीक है गोरमे से। आई थिंक इनके बाद मामला जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, इट विल कवर द होल बैड एक्सपीरियंस फैंटास्टिकली इंशाल्लाह। सो अभी मैं इसे फिनिश करता हूँ और मैं इधर ही बैठूँगा ना, आई हैव गॉट अ गुड चेयर, इको सिस्टम यहाँ पर प्यारा है, इधर ही बैठ के वेट करूँगा अम्बेसी की कॉल का। हाँ जी, सो आई हैव केम बैक टू द एम्बेसी अगेन, मैंने नाश्ता वगैरह जो भी करना था सब कुछ, एवरीथिंग इज़ क्लियर। अभी आई होप कि शाम तक मुझे खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अभी मैं आपको एम्बेसी दिखाता हूँ, आपको एम्बेसी की लोकेशन दिखाता हूँ। सो ये जनाब सामने ये एम्बेसी है टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ साइप्रस की, ये आप घर देख रहे हैं, इस घर से उस साइड पे एम्बेसी है, तो मैं वहाँ पे उसके इर्द गिर्द कैमरा लेके नहीं जाना चाहता था, सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनी ट्रबल, सो दैट इज़ व्हाई आई एम टेलिंग यू फ्रॉम हियर। ये आप देख सकते हैं स्ट्रीट नंबर 13 F72, या स्ट्रीट नंबर 13 F72, एंड यू कैन रीड दैट इट्स कोहसार रोड स्ट्रीट 13 F72। हाँ जी जनाब, जोहर का टाइम हो गया था ठीक है, तो साथ में यहाँ पे एक मस्जिद है, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अभी नमाज जोहर अदा की है, जो एक टेंशन दिल में बनी हुई थी, बहुत ज़्यादा प्रेशर था यू नो द वीज़ा प्रोसेस एंड ऑल, काफ़ी सुकून मिला है, काफ़ी रिलीफ मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ऑलमोस्ट 2 होने लगे हैं ठीक है, 4 बजे का टाइम दिया है उन्होंने कि आप आके वीज़ा कलेक्ट करेंगे, पता चलेगा मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो अभी 2 ही घंटे रह गए हैं, उन्हें यहीं पे कहीं पे बैठ के पार्क में स्पेंड करते हैं, एंड आई होप एवरीथिंग विल बी फाइन इंशाल्लाह। हाँ जी, तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली आपके भाई को वीज़ा मिल गया है ठीक है। मैं उधर एम्बेसी के पास शूट नहीं कर सका था बिकॉज़ वहाँ पे थोड़े से मामला डिफरेंट थे, अभी हम लोग वापस रूम में आए हैं अगेन, आज हम लोग यहीं रहेंगे बिकॉज़ मैंने सुबह जाना है एनाटोलिया के ऑफिस में। इस वीज़ा के प्रोसेस में एक और भी पॉइंट है कि आपको टर्की का ट्रांज़िट वीज़ा भी चाहिए होता है नॉर्दर्न साइप्रस पहुँचने के लिए, तो उस सिलसिले में सुबह अपॉइंटमेंट है एनाटोलिया के ऑफिस में, तो हमने सोचा कि आज घर नहीं जाएंगे वापस बिकॉज अगेन यहीं आना है ना, तो एक रात और रुकते हैं इधर रावलपिंडी में, सुबह एनाटोलिया जाएंगे, वहाँ पे ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करके वहाँ से सीधा घर जाएंगे।
सो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली अभी जो दिल पे जो बोझ था वो सारा क्लियर हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हेयर। अभी मैं आपको इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में मिलूंगा। दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है? अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।